नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी पत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आपका बाजार में आपका स्वागत है। आपकी तमाम क्वेरीज को हम शो में शामिल करेंगे, मार्केट का पूरा एक्शन भी बताएंगे और साथ ही बात करेंगे आज आने वाले नतीजों की भी। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स का हाल देखें तो आज मई सीरीज की शुरुआत पॉजिटिव नोट में हुई है। सुबह मार्केट्स थोड़ा फ्लैट जरूर ओपन हुए थे, लेकिन एक अच्छी रिकवरी दिखी लोअर लेवल से और इनफैक्ट कह सकते हैं कि एक वॉलेटाइल ट्रेड देखा जा रहा है। सीरीज के पहले दिन 7858 के लेवल पर भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक समय 30 से 35 अंकों की भी बढ़त निफ्टी में देखी जा रही थी। सेंसेक्स भी फ्लैट इस समय बिल्कुल ट्रेड कर रहा है और वही रिफ्लेक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी है। निफ्टी बैंक भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा था। एक दायरे में ही कामकाज हो रहा है सुबह से अब तक अगर भारतीय बाजारों को देखें, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है जो कि तेजी दिखा रहे हैं। आज जोरदार उछाल दिखा है एनर्जी स्टॉक्स में। एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स आज लीड कर रहे हैं। ओएनजीसी, केयर इंडिया, दीप इंडस्ट्रीज, एचओएसी, इन सभी शेयरों में अच्छे वॉल्यूम से खरीदारी हो रही है। इसके अलावा अगर आप ऑफशोर स्टॉक्स को देखें, जहां पर हमने बीते कुछ सेशन से लगातार तेजी देखी है, वो मोमेंटम आज भी बना हुआ है। एवन ऑफशोर 5.5% गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, ग्लोबल ऑफशोर, यहां अच्छी मजबूती बनी हुई है आज के सत्र में। कुछ और सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, मेटल्स है। कल एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखी थी मेटल्स में सीरीज के आखिरी दिन, लेकिन आज वापस पुल बैक लिया है इन सभी शेयरों ने। हिंडालको, वेदांता, सेल, टाटा स्टील, कल्याण स्टील, इन सभी शेयरों में जोरदार उछाल बना हुआ है आज के सत्र में भी। फार्मा शेयर्स बढ़त दिखा रहे हैं और सन फार्मा, ल्यूपिन बायोकॉन, ब्लिस, जीवीएस फार्मा, ग्रैनुलर, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो गेन लेकर अभी ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही आज के सत्र में कुछ और स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पर मजबूती दिखी उनमें लॉजिस्टिक्स हैं। लॉजिस्टिक्स में बढ़त रही है। टाटा समूह के शेयरों को अगर आप देखें तो वहां जोरदार उछाल दिखा है। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि हरे निशान में ज्यादातर शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मेटेलिक्स, टाटा स्पॉन्ज, टाटा स्टील, ये टाटा समूह के ज्यादातर स्टॉक्स में जोरदार मोमेंटम आज के सत्र में बना हुआ है। लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स को आप देखें तो वहां मुनाफा वसूली दिखी आज के सत्र में। बीते कई सत्रों की लगातार परफॉर्मेंस के बाद भारतीय एयरटेल, आइडिया सेलुलर, रिलायंस कम्युनिकेशन दबाव के साथ ये भी ट्रेड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस एडिशन की। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, विकास सेठी हैं और साथ ही साथ राकेश बंसल भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं। इस शो में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 7840200000 पर आप हमें अपनी क्वेरीज भेजिए। शेयर लिखिए, उसकी क्वांटिटी लिखिए और किस भाव पर लिया है वो भी और हमारे को भेज दीजिए व्हाट्सएप के जरिए। हमारे एक्सपर्ट्स उसे आंसर जरूर करेंगे। इसी के साथ आज का पहला सवाल इस शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ जो सवाल हमारे पास आया है, दिल्ली से कशनी का सवाल आया है। एमएनएम फाइनेंस पर ये जानना चाहती हैं और 10 शेयर्स इनके पास, 296 का इनका परचेजिंग प्राइस है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सेठी, शुरुआत आपके साथ करेंगे। एमएनएम फाइनेंशियल्स पर आप क्या राय देंगे इनको? Mr. Sethi? All right. Rakesh, I think Mr. Sethi is not able to get our audio. आपके साथ शुरुआत करते हैं। M&M Financial, 10 shares, 296 का purchasing price. गुड मॉर्निंग साक्षी। साक्षी, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन बने रहना चाहिए। स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है। टेक्निकली एक री रेटिंग मुमकिन है। निचले स्तरों पर 250 रुपए स्टॉक का एक अच्छा बेस है। मुझे लगता है स्टॉक 330 तक की एक रैली दिखा सकता है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है। पोजीशन M&M फाइनेंशियल में स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स, उसके बाद एक अच्छी तेजी भी स्टॉक में बनी थी और ज्यादातर ब्रोकर इंस्टीट्यूशंस भी बुलिश हैं। संजय का सवाल है दिल्ली से, सास्कन कम्युनिकेशन पर। 500 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है इनका 362 का। स्टॉक अभी करीब, अगर सास्कन कम्युनिकेशन का शेयर देखें तो करीब करीब 343 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। राकेश, इनके परचेजिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे है अभी ये स्टॉक, क्या कहना चाहिए? देखिए दीपाली जी, अगर पोजीशन इनका नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का है, 6 से 8 महीने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो पोजीशन में बने रहना चाहिए। नीचे में 325-330 एक अच्छा बेस है और स्टॉक में 397-400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, अगला सवाल लेते हैं उत्तर प्रदेश से। प्रशांत ये सवाल पूछ रहे हैं, HCC पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स हैं इनके पास, 20.50 का परचेजिंग प्राइस है। 1 रुपए के आसपास का इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। नतीजों के बाद अब क्या सलाह देंगे आप इनको विकास? हमको आवाज आ रहा है। ऑल राइट, मिस्टर बंसल, आप ही से ये सवाल ले लेते हैं HCC पर, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो मुनाफा इनको 1 रुपए का आ रहा है, उस मुनाफे को बांध लेना चाहिए। इसी स्पेस में अगर रहना है तो LNT एक अच्छा विकल्प लगता है। मैं इनको राय दूंगा HCC से स्विच करें LNT में। अरविंद का सवाल है मेघालय से, अशोक लेलैंड पर। 100 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 110 का। मिस्टर सेठी, अशोक लेलैंड हायर लेवल पर इन्होंने स्टॉक खरीदा है 110 पर, इसीलिए इनके परचेजिंग प्राइस के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए, अभी बने रहें या फिर क्या स्ट्रेटेजी आप रिकमेंड करेंगे अशोक लेलैंड पर?
मिस्टर सेठी शायद सुन नहीं पा रहे। देखिए दीपाली, अशोक लेलैंड एक बेहतरीन कंपनी है। जिस तरह से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ देखी जा रही है, मैं फंडामेंटली इस कंपनी को पसंद करता हूं और मुझे लगता है लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न्स यहां से जनरेट हो सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। ऑलराइट, अशोक लेलैंड पे बने रहने की आपको सलाह दी गई है, अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आगे भी जाते हुए उम्मीद कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल से अगला सवाल लेते हैं, अरिंदम का सवाल है, रिलायंस इंफ्रा पर जाना चाहते हैं, 20 शेयर्स ये होल्ड करते हैं और उनका जो परचेसिंग प्राइस है वो है 566 का। मिस्टर बंसल, क्या सलाह देंगे रिलायंस इंफ्रा पर? साक्षी, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो डेफिनेटली पोजिशन को होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में करेक्शन टूवर्ड्स 500 रूल आउट नहीं की जा सकती, बट स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करें 600 प्लस के लक्ष्य के लिए। अगला सवाल है गुरप्रीत का, पंजाब से, ऑप्टो सर्किट्स पर इनकी क्वेरी है, 2100 शेयर्स हैं इनके पास, परचेसिंग प्राइस है 10.65 रुपए का। राकेश, क्या सलाह आप इनको देंगे ऑप्टो सर्किट्स पर? दीपाली, मेरी राय में इन स्तरों पर या उछाल पर पोजीशन से निकलने में ही समझदारी होगी। जी, त्रिपुरा से अगला सवाल है प्रीतम का, एसीसी पर ये जाना चाहते हैं, 1000 शेयर्स है इनके पास, 1393 का इनके पास जो है परचेजिंग प्राइस है। राकेश, क्या सलाह देंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, किस तरीके का मोमेंटम अब आप जारी होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि इनको अच्छे प्रॉफिट्स में भी है, तो क्या आधा मुनाफा बांध लें या फिर अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की उम्मीद है आपको? देखिए साक्षी, सीमेंट स्पेस अच्छा लग रहा है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्पेस है, अगर 3 से 4 महीने का नजरिया है तो पोजीशन में बने रहें, अगर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म वाला नजरिया है, हफ्ता डेढ़ हफ्ते का नजरिया है, तो मुनाफा बांधने में समझदारी होगी। अगला सवाल ले लेते हैं, राकेश का है जम्मू एंड कश्मीर से, कैनरा बैंक पर, 1000 शेयर है, परचेजिंग प्राइस है 210 रुपए का। क्या करना चाहिए मिस्टर सेठी? 207 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इनका खरीद भाव 210 का है, हमने 150 रुपए के लेवल से अच्छा मूव देखा है कैनरा बैंक में, लेकिन अभी क्या करें क्योंकि इनके परचेजिंग प्राइस से 2-3 रुपए नीचे आ चुका है ये स्टॉक अभी। देखिए दीपाली, जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में एक तेजी बनी है, तो इस स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, इनके भाव के आसपास आ गया, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पे और अपसाइड्स देखने को मिल सकती है, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। ऑलराइट, बने रहने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। पंजाब से अगला सवाल है लखबीर का, और मारुति सुजुकी पर ये जानना चाहते हैं, 100 शेयर्स है इनके पास, 3850 का इनका परचेजिंग प्राइस है। मिस्टर बंसल, इनके परचेजिंग प्राइस से तो नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल साक्षी, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर रहा हूँ, नीचे में 3500 के अराउंड एक बेस लगता है, स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, गिरावट में अगर पॉकेट अलाउ करती है तो एवरेजिंग करें और कंजर्वेटिव बेसिस पर 4000 प्लस के लेवल्स के लिए होल्ड करें। जी, अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल है हमारे पास नीलम का तेलंगाना से, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर इनकी क्वेरी है, 200 शेयर्स इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो है 95 का। क्या करना चाहिए राकेश? नुकसान हो रहा है इनको, 63 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए पीएसयू स्टॉक है, मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर बहुत लंबी अवधि का नजरिया है तो पोजीशन में बने रहें, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो निकलने में समझदारी होगी। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं गुजरात से, धवल अब ये सवाल पूछ रहे हैं, इंडिगो पर इनका सवाल है, 100 शेयर्स है इनके पास, 1086 का इनका परचेजिंग प्राइस है। क्या करना चाहिए मिस्टर सेठी? देखिए दीपाली, इंडिगो का जहां तक सवाल है, अपने निचले स्तर से तो अच्छी खासी बढ़त हो चुकी है, बट चूंकि क्रूड के दाम अभी भी कम है और दूसरा जो हॉलीडे सीजन के कारण जो एयरलाइन स्टॉक में एक अच्छी डिमांड, अच्छे एयरलाइन जो बिजनेस है वो अच्छा कर रही है, तो इन सबको देखते हुए यहां से शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड जरूर देखने को मिल सकती है, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। जी, अगला सवाल ले लेते हैं, हमारे पास सवाल है रॉबी का, जम्मू कश्मीर से, आरसीएफ पर, 300 शेयर्स है 54 के भाव पर। क्या करें राकेश? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ही पोजीशन में बने रहें, फर्टिलाइजर्स में शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिलता है और जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि सरकार ने शायद मर्चेंट बैंकर्स अनाउंस करें इनमें स्टेक सेल के लिए, अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो निकलने में समझदारी है। ऑलराइट, अलाहाबाद से पीयूष का सवाल ले लेते हैं, प्रकाश इंडस्ट्रीज पर ये जानना चाहते हैं, 1500 शेयर्स हैं इनके पास और इनका जो परचेजिंग प्राइस है 40.70 का है। मिसेस सेठी, आप ट्रैक करते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज, क्या सलाह देंगे यहाँ पर? दीपाली, अनफॉर्चुनेटली मैं इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं, तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव एन ओपिनियन ऑन दिस। मिस्टर बंसल, आपकी तरफ से कोई राय? देखिए मेरी राय में किसी भी उछाल में यहां से निकलने में समझदारी होगी। जी, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, सनफार्मा पर है सचिन का, महाराष्ट्र से, 100 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 846 का। इनफैक्ट बातचीत करेंगे सनफार्मा पर, लेकिन अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। एसएल प्रोपैक के नतीजे आए हैं और नंबर्स अगर सिक्वेंशियल बेसिस पर कंपेयर करें
तो काफी ठीक ठाक रहे हैं। जो बिक्री है वो 9% बढ़ी है और साथ ही साथ अगर दूसरे पैरामीटर्स पर नंबर्स को देखें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। स्पेशली जो इंटरनेशनल बिजनेस है प्रसाइसली यूरोप, वहां से भी परफॉर्मेंस आई है। ऑपरेटिंग पैट अगर देखें तो 0.5% ज्यादा का उछाल दिखा है। मिस्टर अशोक गोयल हमारे साथ मौजूद है, वीसी और एमडी हर्षद रुपया के। मिस्टर गोयल गुड मॉर्निंग। सिक्वेंशियल बेसिस पर नंबर्स को किया जाएगा क्योंकि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस का डाइवेस्टमेंट किया कंपनी ने और उस लिहाज से अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। एग्जैक्टली की हाईलाइट्स इस बार की अर्निंग्स की क्या रही है? जी थैंक यू दीपाली। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस और रॉ मटेरियल पास थ्रू, उन दोनों का इम्पैक्ट यदि निकाल दें तो क्वार्टर का बिजनेस 7.8% ग्रो हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 33% के करीब रही फॉर द क्वार्टर। उसमें अलग अलग जियोग्राफीज ऑफ कोर्स हैव परफॉर्म्ड डिफरेंटली, बट ऑलमोस्ट एवरी जियोग्राफी एडजस्टेड फॉर रॉ मटेरियल प्राइस पास थ्रू एंड सेल ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस, द बिजनेस हैज ग्रोन बाय अबाउट 7.8%। राइट मिस्टर गोयल, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छी रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे, खासतौर पर फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलते हुए नजर आया है। आगे जाते हुए किस तरीके से आप इसी का बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहा है कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू की अगर बात करें तो इसी तरीके का बेनिफिट आपको आगे आने वाली तिमाहियों में भी नजर आ रहा है? देखिए रॉ मटेरियल प्राइस जो है वो हमेशा पास थ्रू रहता है हमारे केस में, तो उसकी वजह से कोई प्रॉफिट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट हुआ ऐसा नहीं है। और दूसरी बात एक और भी है कि जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स होते हैं वो बेसिकली बैलेंसिंग फिगर होते हैं, यानी पिछले 9 महीने के जो आपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और फाइनल जो नंबर आए हैं उसमें से माइनस करके फोर्थ क्वार्टर का नंबर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत कुछ एडजस्टमेंट जो है पिछले 9 महीने की ये आखिर के 3 महीने में आ जाती है। तो इसलिए फोर्थ क्वार्टर के नंबर हमेशा बड़े स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होते हैं, ये एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है। जी मिस्टर गोयल, बीते कुछ क्वार्टर से जब भी आपसे बातचीत हुई है तो नॉन ओरल केयर सेगमेंट पर आप काफी बुलिश रहे हैं, काफी आपका जो व्यू रहा है वो पॉजिटिव रहा है, तो इस क्वार्टर में ग्रोथ, हालांकि अभी रेवेन्यूज आपके बहुत ज्यादा नहीं है सेगमेंट से, लेकिन जो भी रेवेन्यूज आते हैं वो कैसे रहे हैं, क्या डिमांड इंप्रूव होती हुई दिखी है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट से? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। नॉन ओरल केयर में ये पर्टिकुलर साल में ओवरऑल क्योंकि ओरल केयर की ग्रोथ हमारी अच्छी रही है उसी प्रोपोर्शन में नॉन ओरल केयर भी रही, तो इसलिए प्रोपोर्शन में इस साल अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा अंतर हम नहीं कर पाए, तो वही 42% जो नॉन ओरल केयर रेवेन्यू शेयर था वो इस बार भी रहा है पूरे साल का। लेकिन अगर स्पेसिफिक ज्योग्राफी देखें जैसे चाइना जो कि करीब 25% नॉन ओरल केयर में ग्रो हुई है, जबकि इंडिया और यूरोप जो है नॉन ओरल केयर में ग्रो हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा बैलेंसिंग जो है वो मोर ऑर लेस हैज रिमेन्ड द सेम एज लास्ट ईयर। जी मिस्टर गोयल, आपने यूरोपियन कारोबार की बात की और पिछले कई क्वार्टर से हमने यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देखी और साथ ही इसी क्वार्टर में भी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आई है। आगे जाते हुए क्या आउटलुक है यूरोपियन बिजनेस के लिए और किस तरीके से यूरोपियन के अलावा आप अमेरिकन और अदर मार्केट्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं आगे जाते हुए? जी यूरोप जो है करीब ऑन दी सेम करेंसी बेसिस 25% ग्रो हुआ है पूरे साल में और हमें आशा है कि वही बढ़त हम अगले साल भी देखेंगे। अमेरिकाज में यूएस ग्रो हुआ है, यूएस में हमने एक काम और किया है, जो प्लास्टिक ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग थी वो हमने बंद की है, जो कि हमने पोलैंड और इंडिया में शिफ्ट की वो कैपेसिटी, और वो यूएस में वो कैपेसिटी हमने रिप्लेस की हाई डेकोरेशन लेमिनेटेड ट्यूब से। मैक्सिको जो लॉस मेकिंग था वो फोर्थ क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हुआ और कोलंबिया में हमारी आज एक्सपेंशन चालू है, अदरवाइज ऑल्सो कोलंबिया अच्छी तरह ग्रो हुआ। ये तो हो गया अमेरिकास।
इंडिया में भी यदि हम देखें तो इंडिया में म्यूटेड ग्रोथ रही, पर्टिकुलरली नॉन ओरल केयर में, लेकिन फोर्थ क्वार्टर की जो दिशा हमें नज़र आ रही है और ये फर्स्ट क्वार्टर इस साल का जो हम देख रहे हैं उसमें डिमांड पिकअप होती नज़र आ रही है, जिससे हम नॉन ओरल केयर के की सेल को ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे इंडिया में भी। जी मिस्टर गोयल, जो एमिसर रीजन है यानी अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, अगर हम इस बीते फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत की बात करें तो कुछ एक कंसर्न जरूर वहां पर थे। अभी परफॉर्मेंस कैसी रही है अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशियन रीजन में? और दूसरी चीज, करेंसी क्योंकि काफी वॉलेटाइल रही है, तो क्या उसका कुछ उससे डील करने के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर करेंसी वॉलेटिलिटी को लेकर आउटलुक क्या रहेगा आपका? आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हुई, मैं शायद जितना समझ पाया हूं मैं आपको जवाब देता हूं। अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया यानी इंडिया और इजिप्ट। इजिप्ट में हमारा एक मेन कस्टमर है, उसका ऑफटेक कम रहा, लेकिन नॉन ओरल केयर की ग्रोथ इजिप्ट में अच्छी रही। इंडिया का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि पिछले साल जरा सॉफ्ट रहा, लेकिन अंडरलाइन ग्रोथ इंडिया की भी करीब 8% रही है। वो दिखती नहीं है, वो इसलिए क्योंकि रॉ मटेरियल पास थ्रू है, प्लस एक यूनिट जो एक्साइज में नहीं थी पहले, अभी एक्साइज में आए उसके एडजस्टमेंट हुई, तो ये कुछ कारण रहे, लेकिन और प्लस कोको मॉडल है हमारा, लेकिन यदि देखें तो 8% की ग्रोथ इंडिया में रही है। लेकिन इंडिया में जो सबसे एक जो चीज़ हम चाहते थे कि बेहतर होती वो ये थी कि नॉन ओरल केयर की ग्रोथ होती, वो इंडिया में नहीं रही है। अगला दूसरे हिस्सा आपके सवाल का मैं समझ नहीं पाया था। जी मिस्टर गोयल, मैं फॉरेक्स मार्केट में क्योंकि हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है, तो अगर ये वॉलेटिलिटी आने वाले क्वार्टर्स में भी रहती है अगर फॉरेक्स मार्केट में, तो उससे कोप अप करने के लिए कंपनी की एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ताकि फाइनेंशियल्स पर उतना इम्पैक्ट ना दिखे? जी, एसएल प्रोपेक का बिजनेस क्योंकि इतना स्प्रेड है, मल्टीपल करेंसीज में डील करते हैं, फौरी तौर पे यदि आप देखेंगे कि लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज का बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा हमारे बिजनेस पर, लेकिन हमारे रिसीवेबल और पेएबल और इंक्लूडिंग डेट जो है हमारी सेम करेंसीज में है जिस करेंसी में हम ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल रिजल्ट पे कोई असर नहीं मोस्टली आता है, लेकिन ट्रांसलेशन इम्पैक्ट होता है जो कि फाइनेंशियल लॉस या गेन नहीं है, लेकिन केवल ट्रांसलेशन इम्पैक्ट है क्योंकि हम इंडियन रुपीज में उसको रिपोर्ट करते हैं, राइट, तो इसलिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है उससे का। जी मिस्टर गोयल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड इन FY17 और कौन सी ऐसी मार्केट्स होंगी जहां पर आप फोरे करने का सोच रहे हैं? देखिए, कोलंबिया मैंने बताया जो कि लेटिन अमेरिका में है, अमेरिकाज का हिस्सा है, वहाँ एक्सपेंशन का काम ऑलरेडी चालू है। इंडिया में जिस हिसाब से अभी डिमांड हम देख रहे हैं, हमने ओरल केयर और नॉन ओरल केयर दोनों की एक्सपेंशन का प्रोग्राम चालू है, माने इट्स ऑनगोइंग राइट नाउ, इट्स शुरू है और करीब अगले महीने तक हम उसको पूरा कर पाएंगे इंडिया की एक्सपेंशन का। US में बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल एक्सपेंड कैपेसिटीज। जी, एंड यूरोप ऑफ कोर्स। अगला सवाल इस शो में शामिल करते हैं। महाराष्ट्र से सचिन ने यह सवाल पूछा है, सनफार्मा पर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 846 का इनका परचेजिंग प्राइस है, इनके परचेजिंग प्राइस से काफी नीचे आया है, क्या सलाह होगी आपकी तरफ से विकास सिटी? देखिए साक्षी, सन फार्मा एक बेहतरीन कंपनी है, बट जिस तरह से USFDA के जो बार बार वार्निंग आए हैं भारतीय जो बिग फार्मा कंपनीज है, तो उसके कारण से स्टॉक पे एक दबाव रहा है। बट अगर निवेशक का लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है ये सब कंपनियां इस जो खराब माहौल से गुजर को बराबर से टैकल कर पाएंगी और सन फार्मा वुड बी ए वेरी गुड बेट एट दीज लेवल्स। सो मेरी राय में इन्होंने ऊंचा खरीदा है, थोड़े नुकसान पे बैठे हैं, बट बिल्कुल बने रहना चाहिए, लंबी अवधि में इनको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे।
एक इंक्वायरीज लेने से पहले एक बार देख लेते हैं, निफ्टी में तो बढ़त है ही, लेकिन एक और शेयर जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली है वो टीआरएफ का शेयर है। 327 के भाव पर अभी कामकाज कर रहा है, 11.5% तक का उछाल इसने ऑलरेडी अभी दिया है और इंट्राडे हाई लेवल्स पर अभी ये टीआरएफ का शेयर जो है कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस की यह कंपनी है और जोरदार उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन लौटते हैं अपनी क्वेरीज के ऊपर। अब वेस्ट बंगाल से सुमंता ने हमें अपना सवाल भेजा है, फार्मा स्पेस से ही कुपरान पर यह सवाल पूछना चाहते हैं। 600 शेयर्स इनके पास और 52 का इनका परचेजिंग प्राइस है। राकेश, क्या सलाह होगी आपकी तरफ से कोपरान पर? देखिए, मेरी राय में कोपरान से इन स्तरों पर या उछाल पर निकल जाना चाहिए। इसी स्पेस में अगर कहीं रहना है तो मुझे अरविंदो फार्मा एक अच्छा विकल्प लगता है। कोपरान से स्विच करें अरविंदो फार्मा में। रचिता का सवाल है उत्तर प्रदेश से, राजेश एक्सपोर्ट्स पर इनकी क्वेरी है। 200 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 816 का। हायर लेवल्स पर इन्होंने राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर्स खरीदे हुए हैं, हालांकि मिस्टर सेठी 2014-15 में एक स्ट्रांग परफॉर्मर रहा है। 150 रुपए का शेयर 600-700-800 तक के लेवल्स तक पहुंचा था, लेकिन अभी करे क्या, क्योंकि अभी इनके परचेजिंग प्राइस ही नीचे आ चुका है, 590 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए साक्षी, इस स्टॉक में एक बहुत अच्छी बढ़त के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, बट वहां से अब थोड़ी रिकवरी देखी जा रही है, तो मेरी राय में इनके भाव आने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। अगर इसमें इनको थोड़ा और उछाल मिलता है तो देन माय एडवाइस वुड बी कि करंट लेवल्स पे तो होल्ड करना चाहिए और उछाल पे फिर निकलने के मौके ढूंढने चाहिए। जी, एग्जिट ऑन रैली की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। दीप का सवाल लेते हैं, गुजरात से ये पूछ रहे हैं। स्वराज इंजिन्स पर इनका सवाल है, 25 शेयर्स हैं इनके पास और इनका परचेजिंग प्राइस है 1000 का। प्रॉफिट्स में है अच्छे, क्या करना चाहिए मिस्टर बंसल? देखिए, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर ये पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं अगले साल डेढ़ साल के लिए तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर स्वराज इंजन्स का शेयर ट्रेड कर रहा है 1.5% की मजबूती के साथ। अगला सवाल है विमल का उत्तर प्रदेश से, भूषण स्टील पर इनकी क्वेरी है। 500 शेयर है, परचेजिंग प्राइस है 49.5 का। मिस्टर सेठी, इनके परचेजिंग प्राइस के नीचे है और हाई डेट कंपनी है, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल बिल्कुल, फंडामेंटल्स बहुत ही कमजोर है, ह्यूज डेट है और कंपनी काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो मेरी राय में बिल्कुल इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए और इसी पूंजी को किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ऑलराइट, एग्जिट करके स्विच करने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। महाराष्ट्र से सोमनाथ पूछ रहे हैं गीतांजलि जेम्स पर सवाल, 500 शेयर्स हैं इनके पास और 58 का इनका परचेजिंग प्राइस है, लॉसेस में तो है। अब मिस्टर बंसल, क्या स्ट्रैटेजी बनाए जिससे इनके लॉसेस कट हो पाए? देखिए साक्षी, बड़ा मुश्किल है गीतांजलि जेम ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाना, क्योंकि ये स्टॉक क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। मेरा ऐसा मानना है कि इन स्तरों पे उछाल पे यहाँ से निकलें, उस पैसे को कहीं और लगाते हैं तो शायद नुकसान की भरपाई हो पाए। गीतांजलि जेम को देख के तो लगता नहीं है कि नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। अगला सवाल है हमारे पास ऋषभ का, असम से धनलक्ष्मी बैंक पर इनकी क्वेरी है। 1000 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है इनका 40 रुपीज का। काफी नुकसान में है मिस्टर सेट्टी, 19-20 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, अब क्या करें? दीपाली, ये भी कमजोर बैंक है और मुझे नहीं लगता इस बैंक में रह के इनको कोई बहुत ज्यादा एक रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन दिस बैंक। एंड देन अगर बैंकिंग स्पेस में ही रहना है तो बहुत सारे विकल्प है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत अच्छी बैंक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे अब आ गई हैं, तो वहां पे ये स्विच कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। हरियाणा से सुनील पूछ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। 200 शेयर्स हैं इनके पास और इनका जो परचेजिंग प्राइस है 1055 का है। कुछ नुकसान में जरूर है मिस्टर बंसल, आपकी क्या स्ट्रैटेजी, अपना क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि काफी यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि अभी भी यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल साक्षी, बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, बट डेफिनेटली समय देना होगा, साल डेढ़ साल का लंबी अवधि का नजरिया बनाएं, पोजीशन को होल्ड करें, अगर पॉकेट अलाउ करती है तो गिरावट में एवरेजिंग करें। जी, अगला सवाल है एक्सिस बैंक पर अशोक का, जम्मू एंड कश्मीर से। 1000 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 450 का। मिस्टर सेट्टी, स्मार्टली बाउंस बैक किया इसने लोअर लेवल से, स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। रिजल्ट्स के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स हैं वो भी 540-560 के हैं, होल्ड रखना चाहिए? बिल्कुल दीपाली, इन्होंने एक अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा है, हालांकि कल जो नतीजे के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ और स्टॉक में एक करेक्शन देखा है, बट आज फिर शायद रिबाउंड हो चुका है और अगर ये लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बने रहते हैं तो यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन दिस स्टॉक। ऑलराइट, बने रहने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश से अगला सवाल लेते हैं, राजू का सवाल है, मोजर बेयर पर ये जानना चाहते हैं। 1000 शेयर्स 10.87 के भाव पर। मिस्टर बंसल, यहाँ पर थोड़ा कंसर्न है, क्या सलाह देंगे?
देखिए साक्षी, इन स्तरों पर या उछाल पर यहाँ से निकले इस स्टॉक में मेरे को दम नहीं लगता है, बिल्कुल भी सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है जी। अगला सवाल है हमारे पास रिको ऑटो पर, राकेश का पंजाब से, 200 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 36.5 का। मिस्टर सेठी 40 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, हाल ही में जो ऑटो इंश्योरेंस शुरू में खरीदारी आई है वो स्टॉक में भी दिखी, जिसकी वजह से इनके परचेजिंग प्राइस से भी ऊपर आ चुका है, जो थोड़ा बहुत मुनाफा मिल रहा है ये लेकर बाहर आ जाए या फिर होल्ड रखे? नहीं, मेरी राय में एक अच्छी कंपनी है और मुनाफे पे जरूर बैठे हैं, बट फिर भी जिस तरह की एक ऑटो सेक्टर से ग्रोथ की उम्मीदें हैं और उसके कारण जो ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी है उनमें भी एक अच्छी बढ़त देखी जा सकती है, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक जी। अगला सवाल है पवन का दिल्ली से, आईसीआईसीआई बैंक पर ये जानना चाहते हैं और 100 शेयर्स ये होल्ड कर रहे हैं 220 के भाव पर, प्रॉफिट्स में भी हैं और आज रिजल्ट्स भी आने हैं कंपनी के। मिस्टर बंसल, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर लोन बुक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो कंसर्न्स हैं वो प्रोविजनिंग और एसेट क्वालिटी को लेकर बरकरार रहेंगी, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए साक्षी, अगर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म नजरिया है, नतीजों के लिहाज से स्टॉक को खरीदा है तो मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, बट अगर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, समय दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने नीचे में 220 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया है और स्टॉक एज ऑफ नाउ अगर कोई 3-4 महीने का भी बनाता है तो स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है। अगला सवाल है सेंचुरी प्लाई पर, राहुल का गुजरात से, इनके पास हैं करीब 700 शेयर्स और परचेजिंग प्राइस 166 का, क्या करें मिस्टर सेठी? 182 पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफे में है ये? देखिए दीपाली, अच्छा स्टॉक है, मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से सरकार का एक फोकस है हाउसिंग के ऊपर और जिस तरह से ये सेक्टर पे गतिविधियां चल रही है, सेंचुरी प्लाई कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी। ये इन्होंने अच्छे लेवल पे खरीदा है, मुनाफा पे बैठे हैं, बट अगर लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बने रहेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान से मुरली का ये सवाल है, गोवा कार्बन पर ये सवाल पूछ रहे हैं, 200 शेयर्स हैं इनके पास और 87 का इनका परचेजिंग प्राइस है, फिलहाल 85.45 के आसपास चल रहा है। मिस्टर बंसल, क्या सलाह होगी क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स भी कंपनी ने पोस्ट किए हैं? दिवाली, मेरा ऐसा मानना है 6 से 8 महीने का व्यू बना के पोजिशन को होल्ड करें 104 के लक्ष्य के लिए जी। अगला सवाल है हमारे पास शांतनु का, अरुणाचल प्रदेश से, रविबल पर इनकी क्वेरी है, 200 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 246 का, अभी स्टॉक 251 पर ट्रेड करा है, इनके परचेजिंग प्राइस पर ही है मिस्टर सेठी, 4-5 रुपए ऊपर है, क्या करें? देखिए दीपाली, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और जिस तरह से भारत में जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है उससे ये जो कंजम्पशन थीम पे बेस्ड जो भी कंपनीज है इनके परफॉर्मेंस में अच्छा बढ़त देखी जानी चाहिए, तो मेरी राय में इस स्टॉक में इन्होंने अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, बिल्कुल बने रहना चाहिए, लंबी अवधि में यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकता है जी। इस बीच एक अपडेट आपको और बता दें कि कोयला घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो आज आदेश देगी और पूर्व सांसद नवीन जिंदल सहित 15 आरोपियों पर आरोप तय करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये कुछ विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, नवीन जिंदल इन प्रोसीडिंग्स में शामिल होने के लिए कोर्ट पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर बाद जो नतीजा होगा वो सामने होगा कि एग्जैक्टली इस घोटाले में अब पटियाला हाउस कोर्ट का जो स्टांस है वो क्या रहता है। पिछली सुनवाई में बताया गया था कि जो आदेश है वो नेक्स्ट हियरिंग में बताया जाएगा और आज पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे ही मामले पर आदेश देगी और आप देख सकते हैं जीएसपीएल पर एक इंस्टेंट रिएक्शन, 7% नीचे ये स्टॉक अब आ चुका है, एक का एक स्लाइड आया और दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 6.5% की कमजोरी के साथ 70 के लेवल्स पर जेएसपीएल आप देख सकते हैं। दरअसल आज की सुनवाई में कोर्ट तय करेगी कि सीबीआई की जो चार्जशीट के आधार पर किस आरोपी के खिलाफ किस दफा के तहत जो आउटकम्स है वो निकल कर आएंगे और इससे पहले जब सुनवाई हुई थी इस पूरे घोटाले में तब सीबीआई ने 29 अप्रैल 2015 को नवीन जिंदल सहित जो 15 आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और ये पूरा मसला 2008 का है, तो अब से कुछ ही देर में एग्जैक्टली जो आउटकम्स होंगे वो सामने होंगे कि किस दफा के तहत क्या जो सजा है या फिर कहें कि क्या निर्णय पटियाला हाउस कोर्ट लेती है। लेकिन चलिए वापस कुछ और कॉलर्स की क्वेरीज को शो में शामिल करते हैं। अगला सवाल है तुकाराम का, महाराष्ट्र से, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर, 150 शेयर्स, बाइंग प्राइस है 44 रुपए का, क्या करें मिस्टर सेठी? क्रॉम्पटन
कौन सा स्टॉक के बारे में बात करिए? क्रॉम्पटन ग्रीव्स। हेलो, देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जहां तक सवाल है, डीमर्जर के बाद जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो कंज्यूमर बिजनेस है वो वैसे मुझे ज्यादा पसंद है, उसकी अभी लिस्टिंग हुई नहीं है, बट हाल ही में जिस तरह का एक रनअप हमने क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी देखा है और जिस तरह का एक इंटरेस्ट कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में बना है, आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक एट दीज लेवल्स। जी, अगला सवाल है बिहार से मुकेश का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ये जानना चाहते हैं, 200 शेयर्स ये होल्ड कर रहे हैं और 160 के प्राइस पर। राकेश साक्षी, काफी नीचे की खरीद है, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, ऊपर में 220 के स्तर देखने को मिल सकते हैं।